भाई राजकुमार हैं, दर्द होगा, नया लड़का है। अरे इतनी बड़ी सुइया देखा था, हाले तो दर्द न हुए। अरे माँ इतनी मोटी मशीन। जर्मनी बेटा, ये जर्मन से मंगाया है, इसलिए डबल तेल लगा रहे हैं, सांडा वाला डाबर वाला दोनों मिला के। रुजो पलक 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 या भाई नहीं लगा चालू करो। ये तो बहुत दर्द कर रहा है माँ, और साथ साथ मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ, ये चीची चूची क्या है बेटा? मशीन मशीन बोल रही है। ये सुनिए सुनिए, ये मशीन की आवाज है, बदतमीजी नहीं करना, सीधे बैठे नहीं, दवाई लगाओ, दवा कम लगी है, चल रहती है। ये मशीन बंद होती तो आवाज आती है। सुख मशीन बंद हो गई है नहीं, जैसे अब हम तुम्हें साफ साफ बताता है, जैसे झाड़े जाओ तो दरबार है, दरबार हो चाहे जौन हो, जौन बताओ वाली चीज है, बताओ जाए, जैसे सुख कहने के लिए बंद हो जाता है, क्या चीज बेटा? झाड़े उसे मशीन बंद हो गया, चूची सुख तो बंद हो गए। चलो तुम काफी समझदार हो, बदनारे वाले बदों में ले लो, बदना वाले ये क्या बन गया? भैंसा नाम ना, ना, नाम लिख गया, नाम लिख गया। चलो चित्र बनाओ, फोटो बनाओ। चो 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 गधा तो ये बनाएगा, यह हल्की मशीन बनाओ, औजार हमारे लाओ। बेटे गौतम आओ, मैं तुम्हारा नाम से सुगोता हूँ, तुम्हारा नाव लगा, तुम्हारा नाव हो गया भाई, है हनुमान जी की फोटो बन गई है, खाली हनुमान जी के गदा बनाओ के बस। आइए महाराज जी, अब हमारा इनाम दीजिए, हम चलें। चले, 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 चले,
महामंत्री नारायण सिंह इनको दुल्हनों को पांच मोहर देकर विदा कर दो। आओ दोनों हरिन हमारे साथ में आओ, हमारे साथ। हाँ आप कौन है, आप कौन है? हम यहाँ के महामंत्री नारायण सिंह है। चल चल पीछे। नारायण सिंह, नारायण सिंह, महामंत्री जी मोहर तोहर लेके खाएगी बिछाई हम, मोहर चाहे न दियो, दो पैरा हमें सबको दे दियो। पैरा क्या करेगा? हम भैंसा भैंसा रखे हैं, खाग नहीं पाता है, खुराकी है नहीं, दुबरा जाता है, 300 मार चली जाती है, तो मोहर तोहर लेके खाई हम का। तो आ जा मेरे साथ। उनका जाए दियो, हम तो चली दूसरा रास्ता में जाए, अब उनका छोड़ दियो। ऊ लंगड़ा भाई, तुहरे काम का है नहीं, चलो हम तुम्हें भगा ले चली। उनके साथ हम जाबुन कर दो। पिताजी मेरे कॉलेज का समय हो गया है, मैं कॉलेज चलता हूँ। जाओ बेटा गौतम, तुम कॉलेज जाओ। मामा जी, हाँ जी, जब मैं कॉलेज से वापस आऊंगा तभी आप अपने राज दरबार वापस जाएंगे। गुड, नमस्ते मामा जी। ठीक है, ठीक, खुश रहो। नहीं मामा, नमस्ते। जीजा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अर्जुन सिंह, तुम क्या कहना चाहते हो? जीजा दीदी जी महाराज, अब तो लो प्रणाम आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद दो दो मुझे और जाऊं अपने रहे। अरे भैया जी ठहरो जरा, है थोड़ा सा काम। अरे हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिएगा। महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। महारानी, तुम क्या कहना चाहती हो? अर्जदासी की महाराज सुन लीजिए। महाराज जी मेरे यहाँ आ जाने से भैया हमारे बिल्कुल अकेले हो गए। सुना नहीं तुमने, जाने का नाम लिया, हमारे भैया का चेहरा देखो कैसे उतर गया है। महाराज जी, महारानी, वैसे तो ज्ञानापुर रियासत में कोई सीट खाली नहीं है, ऐसा मत। लेकिन तुम हमारी महारानी हो, तुम्हारी बात मैं टाल नहीं सकता। नहीं। और आपकी बात से मैं न इनकार हूँ। आपकी बात से मैं न इनकार हूँ और नौकरी देने को तैयार हूँ। सुना भैया, भैया सुना आपने, महाराज ने क्या कहा? आपको नौकरी देने के लिए तैयार है। बहन, लेकिन महाराज जी ये बतलाइए कि हमारे भैया को कौन सी नौकरी मिल रही है? अर्जुन सिंह, आज से तुम ज्ञानापुर रियासत में छोटे छोटे मंत्री के पद
पर रहोगे, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी क्या रहेगी? हमारे बेटे गौतम के लिए तरह तरह के खिलौना लाना, उसका दिल बहलाना, यही तुम्हारी ड्यूटी होगी। महाराज, मैं वचन देता हूं कि मैं अपने भांजे गौतम के लिए ऐसा खिलौना लाऊंगा कि शायद इस विश्व में किसी मामा ने अपने भांजे को ऐसा खिलौना नहीं दिया होगा। यही होना चाहिए अर्जुन सिंह, ऐसा खिलौना दूंगा, यही तुमसे उम्मीद है, यही मिल जाएगा। हमारे बेटे गौतम की देखभाल करना, उसकी तबीयत बहलाना तुम्हारा काम है। महारानी, महामंत्री नारायण सिंह, ले जाओ मंत्री का पोशाक, दो, कल से ड्यूटी पर आएंगे। हम तुम्हें मंत्री का पोशाक देते हैं। महारानी आओ, हम तुम महल चलते हैं। ये मैंने क्या देखा दरबार में कि राजकुमार गौतम मेरे रास्ते का कांटा है। नहीं नहीं, नहीं राजकुमार गौतम, जब तक मैं तुम्हें मिटा नहीं दूंगी, तब तक मैं चैन से बैठूंगी नहीं, और मेरे ज्ञानपुर रियासत की महारानी बनने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ का महाराजा तो तू बनेगा, नहीं राजकुमार गौतम। ये बात चलकर अपने प्यारे अर्जुन सिंह को बताऊंगी, और उन्हीं के हाथ राजकुमार गौतम तुम्हारा मैं कत्ल करवाऊंगी। वाह मेरी गुलबुआ, सारा काम आसान हो गया। मैं दरबार में छोटे मंत्री के पद पर हूँ, कौन गुलबो, आओ आओ मेरी जाना। जैसे महारानी बन गई हो, तब से दूरी बना रही हो। प्यारे, कुछ कारण ही ऐसा पड़ गया है कि आपसे दूरी बनाना ही पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, उदासी नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे पर उदासी आ गई तो समझ लो अर्जुन सिंह मर गया। तो प्यारे, जो आपसे मैं कहने जा रही हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। बताओ। जो पहली रानी का बेटा जो गौतम सिंह मेरे प्यार, उसको यही अब सोच है प्यारे। रहेगा जब तलक जिंदा संसारी मेरे प्यारे, और नहीं बन सकते तुम राजा यही अब सोच है प्यारे। प्यारे, जब तक राजकुमार गौतम जिंदा रहेगा, तब तक ना महाराजा बन सकते है और ना मेरे महारानी बनने से कोई फायदा है। नहीं गुलबो, नहीं, मेरी जान सच तो कहे कि है कि गौतम है मेरा दाता। मेरी जान
जो कहती है कि गौतम है मेरा कदम मिटा दो लूंगा गौ तुमको जो गौतम है मेरा कांटा मिटा दो अभी जाऊं सपेरे से सांप लाऊंगा जहरीला दसा दा लूंगा गौ तुमको जो गौतम है मेरा कांटा दसा दा जब आप गौतम को मिटा दोगे तभी तभी हमारे दिल को आराम आएगा अन्यथा मेरे दिल को एक पल भी चैन नहीं आएगा। घबराओ नहीं प्रिय घबराओ नहीं अभी जाकर सपेरे से एक सांप लेकर आऊंगा और उस सांप से गौतम को डसवा दूंगा गौतम खत्म हो जाएगा तब उसके बाद महाराज की दवा चल ही रही है। दवा तो मैं बराबर दे रही हूँ देती रहना क्यों नहीं ए? लेकिन ए? अरे दैया भगवान जाने हमारे दिया कतनी टूटत है याद यही तो कमी है तुम्हारी बदन कि कब तुम्हारी बदन टूटने लगे कोई ए? हो बेरी